हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर टू माइल चैनल पे स्वागत है। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आए पल्सर एनएस का। तो दिखाएगा आज एनएस में क्या हुआ है। ये देख सकते हो एनएस 200। तो उसका फ्रंट जो साइड में शॉकर होता है ना, उसका ऑयल निकल रहा है। तो ये किसके लिए ऑयल निकलता है ये देखिए, पूरा निकल रहा है ऑयल उसका अंदर से। और इस साइड का ऑयल देखिए, शॉकर पाइप जो है ना फ्रंट का, ये पूरा फ्रेश है। और लेफ्ट तरफ का वाला फ्रेश है, राइट तरफ का वाला पूरा गंदा हो गया, पूरा ऑयल निकल रहा है। तो ये किसके लिए ऑयल निकलता है, तो चलिए खोलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले में टायर खोलने पड़ेगा। टायर निकलने के बाद मडगार्ड जो है ये भी निकलने पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए वीडियो क्या क्या खोलते हैं और कैसे ये ठीक। तो ये नहीं निकल रहे, तो ऊपर का जो एल हैंडल है ये निकलने के बाद आप उनको दिखाएगा कैसे खोलते हैं। तो इसी तरह हर बाइक में भी होता है प्रॉब्लम, शॉकर का जो बोल्ट है दो नीचे और एक ऊपर, ये ढीला देने का बाद में भी नहीं निकलता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, मतलब उसका जो अंदर है ना पूरा जंग पकड़ लेता है, तो इसका वजह से नहीं निकलता है शॉकर। तो उसका बाद ये निकल दिया एल हैंडल, देख सकते हो ये देखिए अभी मार मार के निकल रहा है, मतलब पहली बार खुल रहा होगा शायद, क्योंकि गाड़ी तो ऐसे पुराना हो गया लेकिन बहुत अच्छा है कंडीशन, पहली बार खुल रहा है, इसका वजह से थोड़ा जाम है। तो ये देखिए फाइनली निकल के, निकलने के बाद में जो एलिंग की बोल्ट होता है ऊपर का ये निकल दिया। निकलने के बाद स्प्रिंग भी निकल देना है। और ऑयल देखिए बहुत कमती भी हो गया, जो ऑयल लीक होता रहा ना उसका वजह से बहुत कमती हो गया। उसके बाद जो फुलर है फुलर लगा के ये देखिए, और ये जो बोल्ट है ना उस पर थोड़ा पिन से एक दो बार मार देने से, ताकि आसान से नहीं मतलब खुल जाए, इसका वजह से मरते हैं। उसके बाद एलंकी से खोल दिया बोल्ट, और ये था ख़राब जो ऑल सील, ये हो गया ऑल सील का कवर है, ऑल सील उसका नीचे होता है। तो दिखाएगा किसको बोलते हैं ऑल सील। तो चलिए ये ऑल सील का कवर करने के बाद नीचे एक लॉक मिलेगा, ये लॉक निकाल देना है। ये देखिए लॉक निकलने के बाद ये हो गया आपका ऑल सील, ये देख सकते हो ऑल सील, यही था ख़राब। और उसका वजह से क्या होता है, ऑयल जो है ना निकल जाता है। अगर ये ऑयल निकलते रहेगा ऐसे चलाते रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होता है, जो पाइप है ना शॉकर पाइप जो होता है ये ख़राब होने का मतलब चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये मतलब लीक होने नहीं चाहिए। तो ये देखिए पुराना ऑयल सील बैठा के ये थोड़ा मार दिया, ताकि नया जो ऑयल सील है कुछ ख़राब ना हो जाए इसका वजह से। तो ऑयल सील लगाने के बाद में जो लॉक है ये डाल देना है, और कवर जो है ऑल सील कवर ये भी डाल देना है। ये देखिए आप लोगों का गाड़ी भी कभी भी अगर बनाएगा होने से खुद भी बना सकते हैं। और क्या क्या खुलने के बाद में शॉकर ये ऑल सील है चेंज करने सकता है, ये भी आप उनको शेयर कर देगा, ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद फिर से एलंकी से टाइट दे दिया, ये सिलेंडर से पकड़ के अच्छा से देना है, ताकि बॉल जो है उधर से नहीं निकलना है ऑयल। तो मैं सोचा ये बना देगा और थोड़ा सा छोटा सा एक ब्लॉग भी बना देगा, और आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी मिलना अच्छा है बोल के। और ये लगाने के बाद ये जो ऑयल है ना, ऑयल का डब्बा ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वैक्सपॉल का, ये भी सही है। तो ये आपका 1.5 एक शॉकर में 1.5 डालने पड़ता है। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो नहीं खेलेगा, अगर कमती भी होगा तो ज़्यादा खेलेगा। मतलब ये पूरा सही इस्तेमाल करना है, कितना तक लगना है ये अच्छा से देख के, कितना ml चाहिए वो देख के लगाना है। तो उसका बाद ये अच्छा तरीके से टाइट दे देना है, जो ऊपर का एलंकी है नट ये देखिए ये वाला अच्छा से टाइट दे देना है। ये देखिए पूरा अभी एक बार खेल के भी लगाने के बाद ऐसे खेल के एक बार चेक कर लेना है, ताकि अच्छे से खेलता है या नहीं। और लगाने के टाइम में जो जाम होता रहा ना
वहाँ पे थोड़ा मोबिल लेके डालने से ताकि आसान से फिटिंग हो जाए। उसका बाद ऐसे थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद में ये देखिए अभी आसान से ऊपर उठ गया। और जो एलिंग की बोल्ट है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ऑयल दे दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है। तो गाइस इसी तरह छोटा छोटा अपडेट अब उन मिलते रहेगा किसी भी बाइक का। एक बाइक का अगर नॉलेज है हो जाएगा तो हर बाइक का भी काम आ जाएगा अब उनके लिए। तो वीडियो देख के कैसे लगा ये आप लोगों ने बताइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।